हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो है। तो आप भी इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियो बनाने के लिए 2 से 3 वीडियो शूट करना है, 4 से 5 सेकेंड तक का वीडियो। जब भी शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ और पौधा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस वीडियो को किस प्रकार आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को 3 से 4 पार्ट में वीडियो को शूट कर रखा हूं, तो मैंने आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो 3x2 लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो 3x2 राइट करेंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इस वीडियो को आपको सबसे पहले स्लो मोशन कर लेना है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और यहाँ पे आपको 0.5 कर देने हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। फर्स्ट काम आपको ये करना है, 4 से 5 वीडियो जो आपने शूट कर रखे हैं सारे वीडियो को आपको स्लो मोशन में कर लेना है 1x1 कर। इसके बाद इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद डन करते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को 3x2 राइट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको देखना है 1 मिनट तक आपका वीडियो लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है और 1 मिनट तक आपको यहाँ तक रहने देना है। इसके बाद स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है और अपने वीडियो को साउंड को आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। इसके बाद इस वीडियो को हमारा कोई काम नहीं था, इसे हम डिलीट करते हैं। जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ब्लैक कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पोजिशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है और आपको देखना है आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को लेफ्ट साइड को 3x2 लेफ्ट करेंगे। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन मेक कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, आपको इसको करना क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद जो भी वीडियो आपका ओरिजिनल वीडियो है उस वीडियो को आपको साउंड म्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो भी एडिट हो चुका है। तो सॉरी, मैं यहाँ देखना आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, प्रेस करके लाना है, यहाँ तक आपको एडजस्ट कर देना है। तो आपका देखना है सेकेंड पार्ट का भी वीडियो एडिट हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट को 3x2 राइट करते हैं। इसके बाद लास्ट पोजिशन में आ जाना है और यहाँ से आपको थर्ड वीडियो लेकर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो हमने थर्ड वीडियो शूट कर रखा उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में क्लियर कर देंगे। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है, एक्स्ट्रा पार्ट को 3x2 राइट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा वीडियो फाइनली एडिट हो चुका है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो फिलहाल में ही ट्रेंड में आया है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।